नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव। आराध्या बच्चन और अभिषेक बच्चन को लेकर लगातार खबरें सामने आती रहती हैं। आराध्या बच्चन लगातार सुर्खियों में रहती हैं जब भी उनको एयरपोर्ट पे स्पॉट किया जाता है या कहीं स्कूल से कोई वीडियो आती है तो आराध्या बच्चन को लेकर लगातार चर्चाएं बनी रहती है। मीडिया की नंबर वन किड में आराध्या शामिल है। जी हाँ, जहाँ करीना कपूर की तैमूर है, जहाँ आराध्या बच्चन है, ऐसे ही और स्टार किड्स है जिनको लेकर चर्चाएं बनी रहती हैं और वो सुर्खियों में रहती हैं। इस बार भी सुर्खियों में आई हैं आराध्या बच्चन, लेकिन उनके साथ आए हैं उनके पिता अभिषेक बच्चन, जिसमें वो खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, ये एक पुराना वीडियो है जिसको लेकर खबर सामने आई है, लेकिन इसके पीछे की और बड़ी बात जिसको हम आगे की रिपोर्ट में बताएंगे, तो पहले देखिए ये रिपोर्ट। बच्चन परिवार सोशल मीडिया पर किसी ना किसी वजह से सुर्खियों में बना ही रहता है। अमिताभ बच्चन, जया, ऐश्वर्या, अभिषेक हो या आराध्या फैंस, उनकी हर पोस्ट को बेसब्री से इंतजार रहता है। बीते दिनों आराध्या की स्कूल की तस्वीरें जमकर वायरल हुई थी, जो सोशल मीडिया पर छा गई थी। वहीं हाल ही में आराध्या और अभिषेक की कुछ अनदेखी तस्वीरें सामने आई हैं, जो फैंस को बहुत ही पसंद आ रही हैं और फैंस जमकर कमेंट्स पे कमेंट्स करे जा रहे हैं। वायरल हो रही इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि कभी नन्ही आराध्या पिता की गोद में खेलती नजर आई, तो कभी उनके साथ सेल्फी लेती नजर आई, और कभी आराध्या अपने पिता का साथ देती दिख रही हैं, तो कभी फ्लाइंग किस देती दिख रही हैं। फैंस जमकर इन तस्वीरों पर कमेंट करते हुए थक ही नहीं रहे। ये पिता और बेटी की अनदेखी तस्वीर इंटरनेट पर जमकर वायरल हुई। एक फैन ने लिखा, पिता बेटी की जोड़ी हो तो ऐसी। दूसरे फैन ने लिखा, सो क्यूट। आपको बता दी कि अभिषेक बच्चन इन दिनों अपनी फिल्म दसवीं को लेकर लाइमलाइट में बने हुए हैं। वहीं हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि फिल्म रोल को करते समय उन्होंने अपनी बेटी आराध्या को ध्यान में रखा था, न केवल फिल्म में और जान डालने के लिए, बल्कि वे हमेशा उन्हें ध्यान में रखकर ही काम करते हैं। आपको बता दें कि फिल्म 7 अप्रैल को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी। ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहें नेक्स्ट 9 लाइव।